हेलो दोस्तों, ये 4 किलो चिकन है जिसमें मैंने 3 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और इसमें मैंने 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और इसमें मैंने 3 चम्मच पिसा हुआ नमक डाला है। आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डालें। और इसमें ये मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली हुई है और इसमें मैंने ये चाट मसाला डाला है 2 चम्मच और ये मैंने फूड कलर डाला है जिससे कि ये लाल हो जाएगा। और ये मैंने 1 कटोरी इसमें दही डाला है। तो 4 किलो चिकन में ये है 50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 नींबू का रस है जो मैंने इसमें डाला हुआ है। तो इसमें ये हम 3 अंडे डाल देंगे फोड़ के जिससे कि अच्छे से कोटिंग हो जाएगी चिकन के ऊपर। और ये चिकन घर में आसान तरीके से आप KFC की तरह से आप बना सकते हैं इसको, तो वो स्वाद बिल्कुल इसका KFC की तरह से ही आता है। तो इसलिए इसमें मैंने 200 ग्राम के करीब इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अब हम इस सबको डालने के बाद अच्छे से मैश कर लेंगे। जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा तो फिर हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, 2 घंटा भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। समय के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो इसको 1 से 3 घंटे तक आप मैरिनेशन, जितना भी आपके पास समय हो उस तक रख सकते हैं आप। यह हमारी मैदा है तो इसमें मैंने आधा किलो मैदा लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ नमक डाला हुआ है और 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। इसको हम सही से मैश कर देंगे मैदा को, सूखी हुई मैदा को। अब हम इसमें फ्राई पैन में तेल डालेंगे और हमारे सारे चिकन के पीसों को हम इस तरह से मैदे के अंदर डिप करेंगे। तो अच्छे से इस पर कोटिंग हो जाए मैदा की जब, तो हम इसको अब इसमें तेल में फ्राई करेंगे। तो ये घर में बहुत अच्छे से बन जाता है, एकदम क्रिस्पी चिकन बनता है KFC की तरह से। और इसको हम अच्छे से डालेंगे सब सारे पीसों को और इसको हम कम से कम 70% के करीब एक बार में इसको फ्राई कर लेंगे। तो जब हमारा ये क्रिस्पी चिकन जो बना रहे हैं हम KFC स्टाइल, तो ये अब 70% के करीब इसको हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे 70% करने के बाद और फिर हम एक बार कढ़ाई फिर से रखेंगे हाई हीट पर। तो जब हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक बार दोबारा से इसमें डाल देंगे। तो जो हमारा 30% के करीब चिकन रह गया था, तो अब हम इसको और उतना क्रिस्पी करके बाहर निकाल लेंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है चिकन KFC स्टाइल। तो आप भी अपने घर में बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में।